आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में रविवार 6 सितंबर 2020 को का आपका स्वागत है। सोमवार और मंगलवार को मौसम का मिजाज किस तरह का रह सकता है, ये हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट है। महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों से जो पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है, वो पूर्वानुमान आपके साथ साझा किया जा रहा है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, वो रविवार 6 सितंबर और सोमवार 7 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। मौसम साफ ही दिख रहा है। बरघाट से अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो बरघाट से पूर्व की ओर हल्की बारिश होती हुई दिख रही है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर। इसके बाद ये हम आपको दिखा रहे हैं नज़ारा, रात का नज़ारा। रात को 4 बजे के लगभग आप देख सकते हैं सिवनी में छपारा, सिवनी और बरघाट कानीवाड़ा के उलारी में बारिश हो रही है। सुबह 4 बजे सोमवार का ये नज़ारा है। 4 बजे से 7 बजे तक के लगभग ऐसी बारिश दिख रही। 7 बजे बारिश का क्रम थोड़ा सा थमता हुआ दिखा। इसके बाद 12 बजे के लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी और 1 बजे के बाद बारिश बहुत वेग थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिवनी और छपारा से अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बारिश का वेग। वैसे संपूर्ण ज़िले में बारिश होती हुई दिख रही है। सोमवार 7 सितंबर को दोपहर 2 बजे के लगभग का ये नज़ारा, 4 बजे के लगभग भी सिवनी में बारिश होती दिख रही है। बारिश का वेग थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। इसके बाद ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं 7 बजे शाम का, बूंदाबांदी जारी है और 9 बजे 10 बजे रात तक बूंदाबांदी जारी है। रात 12 बजे का ये नज़ारा, 12 बजे रात को सिवनी से उत्तर पूर्व उत्तर में बारिश होती दिख रही है। कानीवाड़ा और केवलारी के आसपास बारिश हो सकती है। अब हम आपको मंगलवार 8 सितंबर का नज़ारा दिखाते हैं। मंगलवार 8 सितंबर रात जो है, रात के समय बारिश का कहीं पता अता पता है नहीं दिखा। इसके बाद 10 बजे के बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी सिवनी में दिख रही है। मंगलवार का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। मंगलवार को 1 बजे के लगभग सिवनी से दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अर्थात बरघाट, अरी, गंगेरुआ, गोपालगंज, पुरई, खवासा, यहाँ बारिश हो सकती है, जैसा मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को पूर्वानुमान बताया। 5 बजे शाम का नज़ारा है। 5 बजे भी मंगलवार को बूंदाबांदी होती दिख रही है और 7 बजे के बाद बारिश का वेग थोड़ा बढ़ता दिख रहा है। मंगलवार का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 7 बजे से 10 बजे तक ये नज़ारा रहेगा और उसके बाद 11 बजे के बाद मौसम खुलना चालू होगा। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, वो नज़ारा मंगलवार 8 सितंबर और बुधवार 9 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जो पूर्वानुमान दिया गया है, वो पूर्वानुमान मौसम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब तक महेश रावलानी के द्वारा जितने भी मौसम के पूर्वानुमान दिए गए हैं, सारे के सारे पूर्वानुमान लगभग 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। फिलहाल हम रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, उसके बाद हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन और तापमान के बारे में बताएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपको बताते हैं कि 2 दिन अर्थात सोमवार और मंगलवार को बिजली की कड़कन तड़कन चमक किस तरह की रह सकती है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, वो रविवार 6 सितंबर और सोमवार 7 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। इसके बाद अब ये देखिए, सुबह 5 बजे के लगभग सिवनी, कानीवाड़ा, केवलारी, बरघाट, अरी, गंगेरुआ, गोपालगंज, कुरई, खवासा, इस तरफ कहीं बिजली चमकती हुई दिख सकती है। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच ये सोमवार 7 सितंबर 2020 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सोमवार 7 सितंबर को दोपहर 1 बजे के लगभग हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। 1 बजे के लगभग सिवनी के आसपास छपारा और ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये गुलाबी हिस्सा जो आपको दिख रहा है, यहाँ बिजली की गरज बहुत ज़बरदस्त तरीके से भी सुनाई दे सकती है, जैसा कि मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को पूर्वानुमान बताया है। 1 बजे से लेके ये 3 बजे तक का नज़ारा, 4 बजे तक भी इसी तरह का नज़ारा रह सकता है। 1 बजे से 4 बजे तक
जो हमने आपको दिखाया, एक बार फिर से हम दिखाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में सिवनी के आसपास ये जो नज़ारा दिख रहा है, गुलाबी रंग का जो आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 4 बजे के बाद सिवनी बरघाट कानीवाड़ा केवलारी और सिवनी से दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व और दक्षिण में बिजली चमकती हुई दिख रही है। इसके बाद 7 बजे शाम को केवलारी के से अगर पूर्व की ओर जाएं, यहाँ बिजली चमकती हुई दिख रही है। रात 10 बजे सिवनी कानीवाड़ा बरघाट के आसपास बिजली चमकती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, नज़ारा सोमवार 7 सितंबर और मंगलवार 8 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सुबह 5 बजे का नज़ारा है मंगलवार 7 सितंबर को। मंगलवार 7 सितंबर को ये 11 और 12 1 बजे तक का हमने नज़ारा। 2 बजे के लगभग एक बार फिर बरघाट हरी गंगेरुआ तरफ बिजली चमकती हुई दिख रही है। 5 बजे शाम को केवलारी से उत्तर की ओर एवं लखनादौन से काफ़ी दूर है ये, तो उत्तर पश्चिम का हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ बिजली चमकती हुई दिख रही है। और 9 बजे रात के लगभग एक बार फिर बिजली की गरज और चमक सिवनी में जबरदस्त तरीके से। मंगलवार 8 सितंबर का नज़ारा दिखा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आपको 8 और 9 बजे के लगभग सुनाई दे सकती है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो मंगलवार 8 सितंबर और बुधवार 9 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आने वाले 2 दिन तापमान किस तरह का रह सकता है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, नज़ारा रविवार 6 सितंबर और सोमवार 7 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। तापमान आप देख सकते हैं सिवनी में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सोमवार 7 सितंबर को सुबह 7 बजे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हल्की उमस महसूस कर सकते हैं, तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 9 बजे के बाद उमस बढ़ सकती है, तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और 1 बजे दिन में उमस सिवनी और छपारा के आसपास थोड़ी कम महसूस की जा सकती है, बाकी जगह उमस ज़्यादा महसूस की जा सकती है। 5 बजे शाम को उमस कम होना आरंभ होगी और 7 बजे शाम का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं। 8 बजे और 9 बजे का ये नज़ारा हमने आपको दिखाया। अब ये हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं सोमवार 7 सितंबर और मंगलवार 8 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा, तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मंगलवार 8 सितंबर को सुबह 7 बजे के बाद उमस महसूस की जा सकती है। 9 बजे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में अधिकतम बना हुआ है। और अब लालिमा बढ़ती जा रही है, तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस 12 बजे का नज़ारा है। 1 बजे के लगभग भी तापमान तो कमोबेश वही रहेगा, पर उमस बढ़ सकती है और 4 बजे के बाद उमस कम होना आरंभ होगी और ये आपको नज़ारा। 8 बजे के बाद मौसम काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो मंगलवार 8 सितंबर और बुधवार 9 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट है। महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों से मिले पूर्वानुमान के हिसाब से जो मौसम का पूर्वानुमान है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट और अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक ही बार करना हो, सब्सक्राइब कैसे करना हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते हैं। आने वाले समय में 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा, ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा, ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे।
ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा, उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल्स सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा, इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो इसके पैड जैसे ही आए तो आप इसके पैड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीप को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी करिए, सभी को कराइए।